यूपी के संभल से खबर है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ है, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को खदेड़ा। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे पर बवाल, पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के संभल की, शाही जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को खदेड़ा। मौके पर डीएम एसपी सहित 5 थाने की पुलिस तैनात है। अगर हम बात करें वो आपको बड़ी संख्या में नजर आ रही होगी, बहुत सारे लोग समझदार। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को खदेड़ा। मौके पर डीएम एसपी सहित अन्य थाने के पुलिस तैनात है। और अगर हम देखें तनाव की स्थिति कायम है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक पक्ष दावा कर रहा है कि ये हरिहर मंदिर है, इसको लेकर सुबह सर्वे हो रहा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता विमल कौशिक। विमल, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, नजर में है। कोर्ट ने ही एडवोकेट कमीशन का निर्माण किया था और उसके बाद एडवोकेट कमीशन इससे पहले भी एक बार सर्वे के लिए वहां पर जा चुका है। दरअसल शाही जामा मस्जिद को लेकर जो संभल की है उसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये श्री हरि मंदिर था बहुत पहले और उसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। और अगर मस्जिद का सर्वे किया जाता है तो उसमें कई चीजें कई साक्ष्य मंदिर से जुड़े हुए मिल सकते हैं, जिसके बाद चंदोसी के जो सिविल जज है उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया एडवोकेट कमीशन बनाया जाए और कमीशन मस्जिद में जाकर सर्वे करे और उसके बाद 29 तारीख को रिपोर्ट दे। तो फिलहाल एक बार हम देख सकते हैं इलाके में तनाव की स्थिति है। फिलहाल अभी क्या स्थिति है वहां पर? अभी जमकर नारेबाजी हुई, भीड़ कोई ऐसी हरकत या किसी ने भी उपद्रव करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज सुबह जब दोबारा टीम गई क्योंकि 29 तारीख को रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है तो इसलिए जो सर्वे टीम थी वो दोबारा गई, तो आज सुबह वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने उपद्रव कर दिया। बाकायदा पूरी प्रशासन की टीम पर और जो एडवोकेट कमीशन था उस पर पथराव शुरू कर दिया। बाकायदा वहां पर डीएम एसपी तमाम जो आला अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद थे, उसके बावजूद उपद्रवी जो है वो जबरदस्त उपद्रव करते रहे और यहाँ तक कि प्रशासन को फिर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, सुबह इसके गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर हालात कुछ सामान्य बहरहाल। लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है, लिहाजा बड़ी संख्या में सुरक्षा अभी भी वहां पर तैनात की गई है। जी, अधिकारियों ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया है। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को खदेड़ा।
रहा था आज का मैं मामूल लगा था आज का।